मुद्दा जो है देश के 65 लाख कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। ये वो कर्मचारी है जो सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेशन या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। सर, मैं यहाँ पर मौजूद लेबर मिनिस्टर का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, 1995 के अंदर एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95, जिसे हम ईपीएस 95 स्कीम के नाम से जानते हैं। हर कर्मचारी को, अध्यक्ष महोदय, हर महीने अपनी पगार में से 541 रुपये जमा कराना होता था और रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुछ पैसा पेंशन के रूप में दिया जाने वाला था। लेकिन आज हकीकत यह है कि 28 लाख कर्मचारी देश में ऐसे हैं जिन्हें महज 1000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है और बाकी जो कर्मचारी है उन्हें 200 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का पेंशन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभी प्रधानमंत्री के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत अगर आप 100 रुपये महीना जमा करता है कोई कर्मचारी तो रिटायरमेंट के बाद उसे 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन जो पुरानी स्कीम है उसमें 541 रुपये जमा करने के बावजूद भी आज कर्मचारियों को महज 2000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक का पेंशन मिल रहा है। एक कर्मचारी को, अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ 60 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। 14 मर्तबा ये जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, 65 लाख, ये जंतर मंतर के ऊपर आकर आंदोलन कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते भी आकर आंदोलन किए हैं। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनकी समस्या का हल जल्द से जल्द निकाला जाए।